हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूँ शैव्या, आप लोगों के टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो एक ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक फील कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड 2024 में लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक आपके राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग रहने वाली है, आपके नाम के अकॉर्डिंग राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी सन साइन, मून साइन, किसी के भी अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कोई अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपको रेजिनेट करें, वैसे आप चीज़ों को ले सकते हैं। एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप सिंगल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, डबल हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोग किसी भी तरह से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। गणपति बप्पा का नाम लेकर ओम गंग गणपते नमः। हेलो लियो सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए 2024 में लव लाइफ के लिहाज से क्या कुछ होने वाला है, और 2024 क्या कुछ लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए लव लाइफ में, और क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। लियो राशि सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है 2024 उनकी लव लाइफ में। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। वी हैव किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर आप लोग अपने करियर पे फोकस ज़्यादा ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल के दौरान आपका जो मेन फोकस रहेगा, मेन प्रायोरिटी रहेगी, वो आपका करियर रहेगा, और करियर की वजह से ना मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लव लाइफ में उतना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और यस, अपने करियर की वजह से और अपनी लव लाइफ में आप लोगों को बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस साल के दौरान। और करियर रीडिंग आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, 2024 की करियर रीडिंग भी ऑलरेडी अपलोडेड है। सो यस, यहाँ पर आपके करियर में ना कुछ नया और नई चीज़ें घटित हो रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग फ़िलहाल इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और बट यस, यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ के लिहाज से कोई ना कोई आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कोई विश आपकी पूरी हो रही है, और आपकी जो भी सोचा था, अगर आपने सोचा था कि आपको ऐसे ड्रीम पार्टनर चाहिए, तो वैसे पार्टनर आपको मिलने की काफ़ी उम्मीद है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में मुझे आपके पास्ट के कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बैठ जाएँ और पास्ट के बेसिस पर अपने फ्यूचर को जज करें। सो इस वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी सफरिंग्स या स्ट्रगल्स आ सकते हैं, बिकॉज आप अपने पास्ट की वजह से अपने आप अपने फ्यूचर को जज कर रहे हैं। तो अपने पास्ट की एनर्जी से निकलने का ये समय है, और वो आप बखूबी निकल भी जाएंगे। और यस, आप लोग अपनी अपने अपनी पर्सनालिटी पे, अपने करियर पे, हर तरह से अपने ऊपर ही यहाँ पर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अपने लिए हीलिंग एनर्जी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके पास्ट में हुआ था, जो भी जिस भी ट्रॉमा से आप गुजरे थे, उसमें यहाँ पर आप लोग खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यस, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ तो हुई थी, थोड़ी सी नहीं, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब आप अपनी पर्सनालिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, एकदम निडर होके, एकदम कॉन्फिडेंट होके अपने आप को लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने। और यस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना लव लाइफ में अपनी बैलेंस बना के चलना होगा, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हैं इस साल के दौरान। प्रैक्टिकलिटी में आप ग्रो कर रहे हैं और अपने अंदर बहुत ज़्यादा
करियर के लिए मोटिवेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात मुझे ये नज़र आ रही है कि जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप में आप दोनों आने वाले हैं, और यहाँ पर किंग और क्वीन का पेयर बन रहा है, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों जो है एक कपल हैं, एक सोलमेट हैं, और आपको अपने सोलमेट मिल सकते हैं इस साल के दौरान, और ये आपको अपने वर्क प्लेस में मिल सकते हैं या आपके कॉलेज में आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं, या कहीं आप ट्रैवल करें वहाँ पर आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ भी आ रही है कि आपकी शादी फिक्स वगैरह हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे लगता है अभी आप फ़िलहाल उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं, और जो लोग भी रेडी हैं वो लोग अपने करियर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, स्टेबल करियर चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यस, यहाँ पर अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर शादी के बंधन में बंधते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बट अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे या फैमिली नहीं मान रही थी, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन एट द एंड मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का डिफरेंस चल रहा था, या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी स्ट्रगल चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो सब सॉर्ट आउट होने वाला है विद इन नेक्स्ट 4 to 6 months। 4 to 6 months में आप लोगों की लाइफ में ना क्लैरिटी किसी चीज़ की आ सकती है कि आप लोगों को आखिर करना क्या है। कुछ लोग यहाँ पर क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में ये भी नहीं है कि मैं सच में अपने सोलमेट के साथ हूँ या मैं किसी कार्मिक इंसान के साथ हूँ। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोलमेट रिलेशनशिप में ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, बट आप लोग अगर डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे अपने पार्टनर के लिए बिकॉज ऑफ योर पास्ट, तो उसकी वजह से आप अपने फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने पास्ट से निकलने की पूरी तरह से आपको कोशिश करनी है, और अपने पास्ट के बेसिस पे आपको फ्यूचर को जज नहीं करना है। जैसा भी आप चाहेंगे, आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मान जाए, आपके पेरेंट्स एग्री कर जाएं आपके रिलेशनशिप शादी के लिए, तो यस वो भी यहाँ पर एग्री करने वाले हैं, बट आपको थोड़ा सा अपनी स्टेट ऑफ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से निकलना होगा, बाहर निकलना होगा, और जो भी हर्टफुल चीज़ें थी उनसे आपको हील करना होगा खुद को। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग है ना अपने इमोशनल सेल्फ को छुपाने के लिए, अपनी हर्ट फीलिंग्स को छुपाने के लिए यहाँ पर आप प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ जाते हैं, करियर पे फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आपके हार्ट चक्रा में लेकर जा रहा है। तो आपको अपने करियर और अपने लव लाइफ को इक्वली इम्पॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप करियर पे फोकस कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ लव लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिसबैलेंस हो जाएगा, ब्लॉकेजेस हो जाएंगी। तो उस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मुझे करियर में भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। लव लाइफ एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रही है, एक नया चैप्टर आपके लव लाइफ में ओपन अप हो रहा है। या तो आप या आपके पार्टनर दोनों ही करियर की वजह से परेशान हैं, अनस्टेबल फील करते हैं, और फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ी सी टेंस्ड सिचुएशन में खुद को फील करते हैं। लेकिन आप इन सिचुएशन से, आप इन स्ट्रगल्स से, इन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से जल्द ही निकलने वाले हैं आप और आपके पार्टनर, और आप दोनों एक स्टेबिलिटी देखने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर में। और यहाँ पर आपके करियर के लिहाज से भी मुझे नई बिगनिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर आपका चल रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका अगर चल रहा था, तो यहाँ पर आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर भी खुद को फील करने वाले हैं, जिसकी वजह से जिसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके लव लाइफ पे पड़ने वाला है, और इसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। ओके, सो यस, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी गिविंग नेचर के, काफ़ी केयरिंग नेचर के आप लोग दूसरों के साथ हो सकते हैं, लेकिन खुद के साथ आप लोग थोड़ा कम केयरिंग हो जाते हैं या फिर अपना ध्यान कम रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे आपको सेल्फ लव में जाने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में लेकर जाइए। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन ये सेल्फ लव, अपना ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी सोल का ध्यान रखना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से भागने की कोशिश मत कीजिए। जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, जिस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, उसे भागने की कोशिश मत कीजिए, पलटने की कोशिश मत कीजिए, उस चीज़ हील करने की कोशिश आपको करना है। ओके, कि वो गुस्सा आ क्यों रहा है। और यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग
एग्रेशन वाले मोड में थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। वैसे भी लियो एनर्जी थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी होती है, तो एग्रेशन वाले मोड में लड़ाई करने के लिए, युद्ध के मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, इस तरह की एनर्जी में आप लोग फील कर सकते हैं खुद को और अपने पार्टनर के साथ। हर छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये गलत चीज़ हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो इस चीज़ से आपको बचना है। हर छोटी छोटी बात पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप दोनों के बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल मैच करना है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर यस, शादी के बंधन में आप लोग बंध सकते हैं, आपकी फैमिलीज़ मान सकते हैं आपकी शादी के लिए। एंड साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपको लंबे समय से कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा था तो वो भी यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस हैं। आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं इस समय के दौरान, इस साल के दौरान। बट यहाँ पर अपने माइंड में थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी लेकर आइएगा। ओके, कहीं आप बाहर जाएं, कहीं आप घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जाएं या किसी और लोकेशन पर जाएं, तो वहाँ पर आपको पार्टनर आपके मिल सकते हैं। ओके, सो जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है और जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, दे सकते हैं आपको कमिटमेंट, और आपकी जो थर्ड पार्टी इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है बहुत जल्दी। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो यस, थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना काफ़ी रोमांटिक एनर्जी भी रहेगी, बहुत फायर वाली, पैशन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में। सो यस, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा लस्टी एनर्जीज़ में भी कभी कभी जा सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक खास चीज़ ये मुझे नज़र आ रही है कि आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा इस साल के दौरान। इन जनरल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, किसी हेल्थ इश्यूज़ से आप लोग डील कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, ओवरऑल लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एंड यस, बाकी सब बढ़िया है। तो देखते हैं हम लोग, आप दोनों के बीच में ना, आप और आपके पार्टनर के बीच में कभी कभी यहाँ पर ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ईगो क्लैश ना हो आप दोनों के बीच में। सो रोमांस आ रहा है आप दोनों की लाइफ में। यस, रोमांटिक एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी इस साल के दौरान और न्यू रोमांटिक चैप्टर आप दोनों की लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में बिगिन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके करियर में कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो सकती है और साथ में आपके लव लाइफ में भी बहुत सारे ऑफर्स रिसीव हो सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग नेगेटिव वर्ड्स खुद के लिए या किसी और के लिए ज़्यादा बोलते हैं, तो उन वर्ड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए और अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। दूसरों के लिए भी आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है। अगर आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डर लगता है, नर्वसनेस होती है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। ओके, वी हैव आस्क योर एंजल्स। यहाँ पर ना एंजल्स चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है, तो आपके एंजल्स, आपके डिवाइन एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप लोग उनसे मांगे, खुल के मांगे कि आपको चाहिए क्या। तो अगर आपने माइंड में कोई क्लैरिटी लेकर आई है, आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्लैरिटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लैरिटी लेकर आइए और अपने खुल के आपको अपने एंजल्स से मांगना है कि आप चाहते क्या है अपने लव लाइफ में। ओके, सो और देखते हैं लियो राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है लव लाइफ में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप ना किसी सोलमेट एनर्जी में हैं ही, ये मैंने आपको बता दिया। एंड आपके जो प्रेयर्स, विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशंस हैं, वो चीज़ें बहुत काम कर रही हैं आपके मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में लेकर आने के लिए, आपका यूनियन होने के लिए। सो यस, यहाँ पर अगर काफ़ी समय से आप यूनियन के इंतज़ार में थे, तो वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आप दोनों का यूनियन हो सकता है। और अपने, अगर आप नहीं करते प्रेयर्स, आफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस, तो आपको करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। ओके,
हनीमून, एंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यहाँ पर अपने और अपने पार्टनर के, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आप दोनों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए एक साथ यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर हो सके तो फिजिकल या सेक्सुअल इंटीमेसी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पर आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं घूमने जाइए, कहीं वेकेशन पर जाइए, और दुनिया से कट ऑफ होकर आप दोनों को एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, किसी को अपनी हेल्प करने दीजिए। ओके, सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने फ्रेंड्स की गाइडेंस या एडवाइस या सपोर्ट ले सकते हैं आप, और यस आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, तो मेरी भी एडवाइस या गाइडेंस आप ले सकते हैं। ओके, and we have keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectations। आपने जैसा एक्सपेक्ट ना किया हो वैसे आपको सोलमेट मिल सकते हैं। तो यस यहाँ पर आपके, आप दोनों के बीच में ना देखिए पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आप दोनों के बीच में पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो यस यहाँ पर आपके सोलमेट आपसे थोड़े से अलग हो सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके सोलमेट नहीं है। ओके, सो यस, और देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है लव लाइफ में लियो राशि। ओके, बहुत ज़्यादा बिखर गए कार्ड्स। लियो राशि, सिंह राशि, इन कार्ड्स का शेप ना थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ये शफल करने में अजीब ही लगता है मुझे। ओके, बट मैसेजेस बहुत खूबसूरत है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। जस्ट ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए। और अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट या फेथ नहीं रखते, तो आपको अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को पूछते रहते हैं, अरे तुम कहाँ हो, तुमने खाना खाया, तुमने ये किया वो किया, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को। ओके, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। एक दूसरे के साथ ना लविंग टाइम, प्लेफुल टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। प्यार दोस्ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, तो अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, लाफिंग मोमेंट शेयर कीजिए, और एक दूसरे के जोक्स शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। और बेस्ट थेरेपी आपकी लाफ्टर ही है। आप दोनों के रिलेशनशिप बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए ना पहले एक दूसरे का अच्छा दोस्त बनिए, अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए, और थोड़ा सा सीरियसनेस कम कीजिए, और लाफिंग फन एनर्जी ज़्यादा लेकर आइए अपने रिलेशनशिप में। When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. आप अपने साथ कुछ भी और नहीं लेकर जाते इस दुनिया से, जब आप जाते हैं तो सिर्फ वो चीज़ें लेकर जाते हैं जो आपने अच्छी मेमोरीज यहाँ पर बनाई हैं, और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वहीं आप लेकर जाएंगे। तो यस यहाँ पर जितना हो सके अच्छी मेमोरीज बनाइए अपनी लव लाइफ में, इन जनरल अपनी खुद की लाइफ में, ताकि आपके साथ मेमोरीज जाएँ, अच्छी मेमोरीज जाएँ। ओके, और दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, ट्रस्ट करना है आपको डिवाइन पे। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ट्रस्ट कीजिए और अपनी करेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे भी करेंट सिचुएशन आपकी चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को एक्सेप्ट कीजिए, और जैसे वो हैं ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका मन करता है किसी, काश मेरा कोई और पार्टनर होता, ओके, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, आपको अपनी करेंट सिचुएशन, आपके पार्टनर जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन का अगर जो भी फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, और तो उसको भी अपने लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने लाइफ में चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए लव रीडिंग फॉर 2024। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टैरो बाय शेव्या, तो उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।